एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट के दो सम हैं, इनको मैं इनका इक्वेशन फॉर्म कर देता हूँ, आप उनको सॉल्व करके निकाल लेंगे। जो फोर्थ है बोल रहा है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ रुपीज 2000। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 and 100 notes ओनली। मीना गॉट 25 notes इन ऑल। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 and 100 सी रिसीव। मीना बैंक में जाती है, उसे 2000 रुपये निकालने हैं। उसने कैशियर को बोला कि आप मुझे केवल 100, 100 and 50 rupees यानी 100 और 50 के ही नोट देंगे। तो उसने कैशियर ने मीना को 25 note दिए। उस 25 में कुछ 100 के भी नोट होंगे, कुछ 50 के भी, हमें नहीं पता है कितने हैं। तो हमें यही बताना है कि उसे 50 और 100 के कितने नोट मिले। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 50 रुपीज के उसे एक्स नोट मिले और 100 रुपीज के वाई नोट मिले, वाई नोट्स। तो टोटल नोट कितने थे उसके पास? कैशियर ने टोटल उसे 25 नोट ही दिए थे। उसे 50 के अगर एक्स नोट हो तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? मान लो कि 50 के अगर दो नोट हो, 50 रुपीज के टू नोट्स हों तो 100 रुपीज होगी। तो 50 रुपीज के एक्स नोट हो तो कितना होगा? 50x और 100 रुपीज के वाई नोट्स हो तो उसकी वो अमाउंट होगा 100 into y, जो टोटल कितना हो जाएगा? 2000। आपका ये तो ऊपर वाला इक्वेशन नंबर वन हो गया। इसको थोड़ा और सिंपल कर सकते हैं, हम यहाँ से 50 कॉमन ले सकते हैं। तो 50 कॉमन आप ले लीजिए, कॉमन लेने के बाद यहाँ x होगा और यहाँ 52 जा 100, यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ से मैंने 50 निकाल लिया है बाहर, 2y। अब 50 से हम 50 को इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो 50 डिवाइड कर देगा 2000 को। कितनी बार में? 50 से डिवाइड करेंगे 2000 को तो ये 40 टाइम्स में। ये इक्वेशन नंबर टू। आप इक्वेशन नंबर वन और टू को सॉल्व करेंगे, जो x और y की वैल्यू आएगी, x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा? उतने 50 रुपये के नोट होंगे और y की जो वैल्यू आएगी उतने 100 रुपीज़ के नोट होंगे। आप इनको कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये चैप्टर है, इसके जस्ट पहले हमने एलिमिनेशन मेथड सीखा है, उसी की प्रैक्टिस के लिए चैप्टर है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days, वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। कोई एक लाइब्रेरी है जो बुक्स देती है बच्चों को, उसका 3 दिन का मतलब 3 days के लिए उसका एक फिक्स्ड चार्ज है, और उसके बाद आप लेट करते हो 4th दिन 5वें दिन और ऐसे करके आप लेट करते हो, तो पर डे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज है। मान लीजिए कि मैंने आपको 3 दिन के लिए कोई बुक दिया 50 रुपये में, आप उसको आप 4 दिन रखेंगे तो हर उसके बाद हर डे 10 रुपये या 20 रुपये या 40 रुपये जो भी फाइन होगा लगना शुरू हो जाएगा। ये दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन वी डिड, जिसमें था कि फेयर वाला था कि मैं ऑटो से किराया जाना था, तो उसका कुछ फिक्स्ड था और उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ता था, कुछ पैसा ही है। तो इसमें बोल रहा है कि 3 दिनों के लिए फिक्स्ड चार्ज है और उसके बाद हर डे एडिशनल चार्ज देना पड़ता है। सरिता 27 रुपीज़ पे करती है 7 दिनों के लिए बुक रखती है तो, और जो सुशी है वो 5 दिनों के लिए बुक रखती है, उसे 21 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो हमें बस ये पता करना है कि फिक्स्ड चार्ज कितना है वो जो फिक्स किया हुआ है, और पर डे कितना चार्ज उसके बाद देना पड़ता है 3rd दिन के बाद। तो हम मान लेते हैं जो फिक्स्ड चार्ज है कितने दिनों के लिए था, फॉर 3 days एक्स रुपीज, और पर डे 4th दिन से लगना शुरू हुआ कितना, वाई रुपीज पर डे। ठीक, तो जो सरिता है वो किताब को 7 दिनों तक रखती है, तो 3 दिनों तक उसे तो फिक्स्ड चार्ज जो एक्स रुपये हैं वहीं देने पड़ेंगे, बाकी 4th, 5वें, 6ठे और 7वें 4th, 5th, 6th and 7th 4 days पर डे का वाई रुपीज है, तो 4 days का कितना होगा, 4y हो जाएगा। और कितने रुपये उसने दिए, 27।
3 दिन का इतना फिक्स और 4 दिन का इतना, टोटल होकर 27 हो रहा है। ये आपका इक्वेशन वन हो गया। सूची जाति वो किताब को 5 दिनों तक रखती है, तो 3 दिन का तो उसे ₹1 देना पड़ेगा और 1 दिन का उसके बाद तीन दिन जब बीत जाते हैं तो चौथे और पाँचवें दिन जो एक्स्ट्रा रखती है तो 1 दिन का ₹Y देना पड़ता है, देने पड़ते हैं। तो चौथे दिन का ₹Y और पाँचवें दिन का भी ₹Y एंड 2 दिन के कितने हो जाएंगे 2Y, जो कितने हो रहे हैं 21। ये इक्वेशन सॉल्व करिएगा, x की वैल्यू आएगी वो फिक्स्ड चार्ज होगी और y की जो वैल्यू आएगी वो आपका पर डे उसके बाद 3 दिन के बाद जो लगना शुरू होता है वो होगा। आप इसको करिएगा एलिमिनेशन मेथड से करिएगा। और जो ये लास्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो पेयर में है इनको सॉल्व करने का एक तरीका है। ये मेथड है ये एक्स बाई B1C2 माइनस B2C1, वाई बाई C1A2 माइनस C2A1, वन अपॉन A1B2 माइनस A2B1। अब ये B1C2 B2C1 A1 ये सब क्या है, तो हमें पता है ये सब वेरिएबल के कोफिशियंट हैं और एक कांस्टेंट टर्म है। A1A2 एक्स के कोफिशियंट हैं, B1B2 वाई के कोफिशियंट हैं एंड C1C2 ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। इस पे एक दो सम करते हैं हम समझने के लिए।